सुनेंगे यूहन्ना इस्तबागी के मुंह का कलाम जो खुदा खुदा मिस दिया कि जिसके पास दो कुर्ते हों एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करें, शराकत, रफाकत, दूसरों का ख्याल। तो आप मोमिन जो पर्चियों पे अशिया खुर्दनोश ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लिखी हुई हैं आप ले जा कर के यहाँ पे चर्च में दे के आ सकते हैं, ताकि इन आमद के यहाँ में आप जो कुछ भी देंगे हम क्रिसमस से पहले पैकेज बनाकर उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो ज़रूरतमंद हैं। 11 दिसंबर रोज़ इतवार पाकमास होगी, और ख़ास तौर पर पाकमास होगी शादीशुदा उन जोड़ों के लिए जो अभी तक बे औलाद हैं, जो अभी तक बे औलाद हैं उनके लिए यह खसूसी अक्दस कुर्बानी जो फाजी यहाँ पर गुजरानेंगे, और उसके बाद फाजी ख़ास तौर पर उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। 11 दिसंबर रोज़ इतवार पाकमास के बाद शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं उनके साथ फाजी खसूसी मुलाकात करेंगे। हर साल की तरह 18 दिसंबर रोज़ इतवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी, जैसा कि आप जानते भी हैं यहाँ से आर्मी से अफसरान बाला को दावत दी जाती है, फादर जी यहाँ पर होते हैं और मोहसिन को और मोमिनीन को यहाँ पर दावत दी जाती है। 18 दिसंबर रोज़ इतवार को पाक मास के बाद ये क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी जो वो होगी। मजूसियों की गालबन पिछले 6.5 साल में एक दफ़े हमने सेलिब्रेट की, इतने ज़्यादा धूमधाम से यहाँ से चर्च कंपाउंड में के अंदर ही की थी, लेकिन इस दफ़ा फादर चाह रहे हैं कम इसको रवायती अंदाज में मनाएं। जिस पैरिश से फादर जी आए मैंने वहाँ पे 1.5 साल गुजारे, से पहले हमारे बहुत पुराना पैरिश था इसका जिससे जो पैरिश छत्ती चक सरगोदा में, तो वहाँ पर ये ईद नासियों का लोग इंतज़ार करते हैं, बल्कि हमारे मुस्लिम बहन भाई गंदवा में रहने वाले वो भी इंतज़ार करते हैं और पूछते हैं कि बाबू जो डाचियाँ वाली के दवाएगी। तो इस दफ़ा फादर जी भी चाह रहे हैं कि इस पैरिश में इस ईद को रवायती अंदाज में मनाया जाए। हम कोशिश करें कि ये ईद जो है वो चर्च में मुमकिन नहीं है कि हम कर सकें, ऊँटों का इंतजाम भी करना पड़ेगा, एक बड़ा हजूम होगा, तो बाहर इसका अरेंज करेंगे, जैसे ही अरेंज होता है हम आपको बता देंगे। शादी की पुकार